हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजब कैंसिन जीके। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं जितने भी एग्ज़ाम आते हैं सभी में नेशनल और इंटरनेशनल डेज के बारे में एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है हर एग्ज़ाम में, आप सभी को पता है। तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जैसे PSPCL, SBI क्लर्क, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और KVS डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को दो या तीन बार आप देख सकते हैं, आपको सभी जो डेज हैं वो याद हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को PDF भी मैं आपको, इसका स्लाइड का लिंक आपको मैं दे दूंगा, वो भी आप डाउनलोड करके आप खुद भी इसको याद करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी मंथ के जो डेज हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को है NRI डे, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है 12 जनवरी। 12 जनवरी को है नेशनल यूथ डे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, पूछा जाता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। उसके बाद है आर्मी डे। आर्मी डे हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। उसके बाद है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 26 जनवरी। रिपब्लिक डे का सबको पता है, लेकिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जनवरी 30 जनवरी। तो नेशनल शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो जनवरी मंथ के जितने भी डेज हैं 7 डेज हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे फरवरी मंथ की। फरवरी में 4 डेज हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो हैं सबसे पहले 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे आप सभी को पता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है 24 फेब को है सेंट्रल एक्साइज डे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेब में वो है 28 को है नेशनल साइंस डे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको आप याद करिए। उसके बाद है मार्च। मार्च के हम जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो करेंगे, टोटल हैं 6। तो सबसे पहले 8 मार्च, 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, 8 मार्च को मेरा जन्मदिन होता है, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब भी 8 मार्च आएगा आपको याद हो जाएगा कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने इस पर बताया था कि मेरा जन्मदिन है। उसके बाद है 15 मार्च। 15 मार्च को है वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, प्लस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी 15 मार्च को ही मनाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 21 मार्च। 21 मार्च को है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 22 मार्च। 22 मार्च को है वर्ल्ड डे वाटर, वाटर के सेफ्टी के लिए ये डे यूनेस्को ने तैयार किया, हर साल ये 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। उसके बाद है 24 मार्च। 24 मार्च को है TB डे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च के जितने भी डेज हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे अप्रैल। अप्रैल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 डेज हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितने भी एग्ज़ाम SSC के एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम देख लो, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है। उसके बाद है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को है सेक्रेटरीज डे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को है अर्थ डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 23 अप्रैल को है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद है मई। मई मंथ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज है 1 मई को। 1 मई को है वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद है 3 मई को है प्रेस फ्रीडम डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेस की फ्रीडम के लिए ये डे मनाया जाता है हर साल 3 मई को, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मदर्स डे मई मंथ के जो हर सेकंड संडे को मनाया जाता है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है 8 मई। 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद है मई 17 वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद है 24 मई। 24 मई को है कॉमनवेल्थ डे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और मई का जो लास्ट डे है वो है एंटी तंबाकू डे, तो ये भी गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है।
उसके बाद है जून, जून मंथ के हम जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ तीन है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे है, जितने भी एग्ज़ाम है सभी में ये रिपीट हो चुका है। 5 जून, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, वातावरण दिवस आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इस दिन को ब्लड को डोनेट करने के लिए तैयार किया गया, मनाया जाता है हर साल, काफ़ी लोग ब्लड को डोनेट करते हैं 14 जून वाले दिन। उसके बाद है 21 जून, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2015 से स्टार्ट हुआ था, तो ये इंडिया ने यूएनओ को प्रस्ताव दिया था कि इस डे को मनाया जाए, तो यूएनओ ने अप्रूवल दी है, 21 जून को ये डे मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद जुलाई के ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो हैं। सबसे पहले है 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और 11 जुलाई का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो आप इसको याद रखिए। उसके बाद अगस्त की बात करेंगे हम, अगस्त को जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 6 अगस्त, 6 अगस्त का हिरोशिमा डे, हिरोशिमा को आपको पता है 6 अगस्त को एटम बॉम्ब फेंका था जापान पर अमेरिका ने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 7 अगस्त को, ये भी इंपॉर्टेंट है, हैंडलूम डे और संस्कृत डे 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, हैंडलूम डे और संस्कृत डे, इसको आप याद रखिए। उसके बाद है 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे और नागासाकी डे, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान के शहर हैं जहाँ पे एटम बम गिराया था, तो ये 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया था, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, एज ए हिस्ट्री की आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को है इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे आपको मैंने बता दिया, अभी ये है इंटरनेशनल यूथ डे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 15 अगस्त को आप सभी जानते हैं इंडिपेंडेंस डे है। उसके बाद है 29 अगस्त, 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो गाइस ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ये हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद जी के नाम पे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम करेंगे सितंबर मंथ की बात, सितंबर मंथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आप सबसे पहले आप देख लेते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को, तो जो उसके बाद है 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये डे हर साल 27 को मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं अक्टूबर की, अक्टूबर में 5 हैं जो इम्पोर्टेंट डेज हैं आपको याद रखने हैं। सबसे पहले गांधी जयंती आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को होती है। उसके बाद है इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए। उसके बाद है 11 अक्टूबर, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड ये है 11 अक्टूबर, तो वुमेंस डे आपको मैंने बताया था वो है 8 मार्च और इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड ये है 11 अक्टूबर, आपको वुमेंस डे और गर्ल चाइल्ड डे में कन्फ्यूज नहीं होना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डे है अक्टूबर 24, तो ये है यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे नवंबर मंथ की, नवंबर मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले है चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप याद रखिए। उसके बाद है 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, तो गाइस ये हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे वाले दिन ये मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूएनए ने प्रमाणित किया था इस डे को, तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट में हम दिसंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो डिस्कस करेंगे, तो दिसंबर मंथ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं। सबसे पहले हम 1 दिसंबर की बात करते हैं, आप सभी को पता ही होगा वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जो इंपॉर्टेंट हैं दिसंबर वाले। उसके बाद है 3 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 7 दिसंबर को इंडियन आर्मड फोर्स फ्लैग डे, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैग डे 7 दिसंबर हर साल। 10 दिसंबर जो है ह्यूमन राइट्स डे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। उसके बाद है 22 दिसंबर, 22 को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे,
तो ये नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल मनाया जाता है 22 दिसंबर को, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सेकंड लास्ट 23 दिसंबर किसान दिवस, यानी कि फार्मर्स डे हर साल मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो जो लास्ट है वह सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्रिसमस डे। तो गाइस ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेज। मैं आपको यही सुगेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देखें, ठीक है। इसका जो मैं आपको लिंक है वो भी दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इससे अलग कोई भी आपको नहीं आएगा डेज, वो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वही मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हम तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि कितने आपको बेनिफिशियल रही है। तो आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।